बड़ी मेहरबानी मेरी मदरत पे कबूल करें रावल पिंडी पोलिस के जो सी पी ओ है एस एन यूनस वो जब रावल पिंडी में तयनात हुए उनके बारे में यह भी कहा गया की पी, पी एस पी जो अफसरान है वो नूरी मखलूक है अगर पी एस पी अफसरान की हम बात करें तो वो कहते है ना हैं ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती सी पी ओ एस एन में जब तैनात हुए तैनात होने के बाद बहुत सी शिकायत थी बहुत से ऐसे एहलकार थे जो ड्यूटी पर तो जाते थे लेकिन अपना प्रॉपरली काम नहीं करते थे लेकिन सी पी ओ एस एन यूनस जो साहब हैं उनका आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बरवक कार्रवाइएं की और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रावलपिंडी पुलिस के लिए बहुत अच्छी इस वक्त हैं मैं बात कर रहा हूं कि कल रात सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है उस वीडियो में जो पुलिस एहलकार हैं वो खाना लेकर जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते दे। लेकिन हम बात करें अगर सी पी एस एन यूनिस्ट्स के माजी की तो आपको याद होगा कि सी पी ओ एस एन यूनस जब तैनात हुए थे उससे कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है कि जो एक ट्रैफिक वार्ड है वो एक रेडी बांध से जर्सी है और जैकेट्स उठा लेता है लेकिन उस पर भी सीपीएसएन यूनिट ने बर्वा कार्रवाई करते हुए उसको जैकेट और उससे माजरत भी की लेकिन यही सेम कंडीशन हम रात की है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है उसमें देखा जा सकता है वीडियो में कि जो पुलिस एहलकार हैं वो खाना लेके जाते हैं लेकिन उसका उसको पैसे अदा नहीं किए जाते लेकिन सी पी ओ एस एन यूनस ने बर वक्त वो कहते हैं ना कि बिजली की तरह वो आए और उस ठेले वाले से आके मुलाकात की उसको पैसे भी दिए और माजरत भी की अगर नाजरीन हम बात करें जो कमांडर हैं रावलपिंडी पुलिस के सी पी ओ एस एन यूनस उन्होंने ऐसे बहुत से एकदाम हैं देखें अगर जो कमांडर है वो अच्छी कार्यकर्तव्य की करें इससे पहले बहुत सारे सीपीओ रहे हैं लेकिन जो सीपीओ एसएन यूनिट्स है उन्होंने खुली कचहरी का इंकार किया खुली खुली कचहरी लगाने से ऐसे बहुत से केसेस हैं जो थानों में हल नहीं होते थे जो लोग सीपीओ एसएन यूनिट्स के पास पेश हो जाते थे तो सीपीओ एसएन यूनिट बरव कार्रवाई करते हुए उनका नोटिसिस लेते थे लेकिन इससे पहले भी खुली कचहरियाँ लगती रही हैं लेकिन ऐसा कभी रावलपिंडी पुलिस की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेली रूटीन में अगर सी पी एस एन यूनस वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन वीडियो कॉल के जरिए भी उन्होंने खुली कचहरी में मतलब खुली कचहरी ली है लेकिन आजकल के जो दौर है इसमें इस तरह का एक कमांडेंट जो सी पी एस एन है वो खुशाइन चीज है और नीचे जो एहलकार है अगर हम बात करें थाना जात की तो थाना जात में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग ये कहते हैं कि आप सी पी एस एन यूनस के पास पेश हो जाएं तो सी पी एस एन की कचहरी में जाएंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा बर व कार्रवाई करते हैं और वो कहते हैं ना कि सी पी एस एन का कहना है काम काम और सिर्फ काम वो दो घंटे से होते हैं आप कहीं भी चले जाएं कोई भी ऐसा इवेंट होता है या कोई मिस ऐप हो जाता है तो सी पी ओ एस एन यूनस जो है बर वक्त कार्रवाई करते हैं अगर हम बात करें हवाई फायरिंग की और अगर हम बात करें पिछले बसंत की आप ले लें बसंत पे हवाई फायरिंग सबसे ज़्यादा होती थी लेकिन इस जो पिछला टेन्योर गुजरा है इसमें बेहतरीन कार्रवाई की है ड्रोन के ज़रिए सी पी ओ एस एन यूनस उसकी खुद निगरानी भी करते रहे और मुख्तलि मकाम पर सी पी ओ एस एन यूनस नोटिस लेने के बाद उस जाए वकूआा पर खुद पहुँचते हैं जी नाजरीन अगर हम बात करें फायरिंग की तो फायरिंग से अगर कोई कांस्टेबल या एएसआई या कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी होता है तो जो सी पी एस एन यूनिट्स है वो बर वक्त अपना हर काम छोड़कर था जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद मैंने अपनी खुद इन आंखों से देखा है कि सी पी एस एन यूनस अगर कोई पुलिस एहलकार जख्मी होता है तो अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो जो नकदी मर्र होता है वो नकदी मर्र आपको हॉस्पिटल में मिलेगा और उसके बेहतर इलाज के लिए जो है सी पी एस एन यूनस हॉस्पिटल में मुख्तलिफक्टर से मीटिंग भी करते हैं और अगर हम बात करें शहदा की तो शोहदा में इमरान अब्बास के बच्चों को देख लें कि कैसे प्रोटो प्रोटोकॉल के साथ एक अहसासा सीपीयूएसएन यूनन्स का कहना है कि जो शोधा के बच्चे हैं वो हमारा अहसासा हैं और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ स्कूल भेजा जाता है अगर इसी तरह की सीपीयू काम करते रहे तो जो عوام के दिल में एक नफरत है पुलिस के लिए वो खत्म होती जाएगी और जो मुताइद अमला है वो पुरजोश होकर काम करेगा देखते रहिए वॉच टाइम अल्लाहफ